Hello friends, my name is Sagar Bhatnagar and I'm your best buddy to share something about passion photography. आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आज हम आपको बताएंगे एक मोबाइल फ़ोन की फ़ोटोग्राफी और एक DSLR की फ़ोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है. जैसे कि आप अपने मोबाइल्स इसीलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहले आप एक क्वालिटी देखते हैं, उसमें कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है. आप कैमरा क्वालिटी देख के ही मोबाइल पसंद करते हैं, अदर फीचर्स आप बाद में देखते हैं. वहीं हम DSLR के अंदर जाते हैं, DSLR के अंदर सारी खूबियाँ हम वहीं देखते हैं जो हमारे लिए लायक हो. जैसे कि अगर आप अमेचर हैं, प्रोफेशनल हैं, आप बेसिक नॉलेज इकट्ठे कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना कैमरा परचेज़ करते हैं. नाउ अब हम बात करेंगे एक मोबाइल फ़ोन की कैमरा की. आप इसमें देखेंगे कि आपने फ़ीचर्स लिया है मोबाइल कैमरे का, बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, महंगे बजट का है आपने, लेकिन आपने क्या देखा उसके अंदर. 24 मेगापिक्सल सेल्फी, 16 मेगापिक्सल बहुत एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उनका प्रिंट निकलवा के जाते हैं किसी स्टूडियो पे, तो आप वहाँ देखते हैं कि वो आपको मनचाही चीज़ नहीं मिल पा रही. क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उसके अंदर आप ना तो ISO यूज़ कर सकते हैं, जो शटर स्पीड आप गिरा नहीं सकते, मैनुअल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर शार्प पिक्चर्स नहीं देख पाएंगे. आप अपने मोबाइल के अंदर कैमरा जो आपको लेंसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है वही यूज़ कर पाएंगे. वेयर इन दिस यू कैन पुल इट आउट दिस लेंस, चेंज योर चॉइस. अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, लैंडस्केप खींच रहे हैं, कैसे भी, तो आप अपने लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं. अब लेंसेज की बात हम बाद अगले वीडियो में करेंगे. हियर आपने इसकी फ़ोटोग्राफी ली, इमेज क्वालिटी आपने देखी, मोबाइल पर बहुत बहुत बेहतरीन आई, लेकिन जब आप प्रिंट कराने जाएंगे कुछ नहीं आएगा. हियर वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट DSLR. वाट इज़ DSLR? डिजिटल कैमरा, सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव. DSLR क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे बेखूबी. ये DSLR है लाइक दिस. आजकल DSLR इतने एडवांस आ रहे हैं कि आपको सिर्फ फ़ोटो नहीं, मूवीज़ भी बना के देंगे वो. तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपका DSLR इस तरह से आने लग गया है कि आप उसके अंदर ये देखिए, जूम इन पिक्चर देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी की आती है. आप देख पा रहे हैं ये DSLR. DSLR क्या चीज़ है? सिर्फ नॉट ओनली फॉर कैप्चरिंग योर क्लिक्स, इट आल्सो यूज एज अ हैंडीकैम्प आल्सो, बिकॉज कंपनी ने हर चीज़ के लिए बजट के अंदर आपके लिए वीडियोग्राफी भी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है. जैसे कि लाइक दिस, इन दिस आप यहाँ पर देखिए, आप ये मोबाइल कैमरा की तरह भी यूज़ करेगा. अगर आप यहाँ देखते हैं ये टिल्टेबल भी है. अगर आप भीड़ के अंदर यूँ देख रहे हैं लाइक दिस एंड लाइक दैट, दिस वीडियो इज़ वेरी प्रोबेबली यूज़ फॉर यू. नाउ अब हम बात करते हैं इसकी फोटोग्राफी की, वाई इट इज़ बेटर लाइक दिस. हियर सम फीचर्स आर देयर इन विच वी कैन सी सम फीचर्स लाइक मैनुअल, ए फॉर अपर्चर, एस फॉर शटर, पी फॉर प्रायोरिटी. अब हम देखेंगे इसके अंदर जब भी आप क्लिक्स फ़ोटोज़ देखेंगे तो आप अपने हिसाब से शटर स्पीड गिरा सकते हैं. ISO से आप अंधेरे के अंदर बहुत अच्छी क्लिक्स ले सकते हैं, और अपर्चर से आप पीछे का बैकग्राउंड, आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब ब्लर, या फिर आपको शार्पनेस चाहिए या डेप्थ ऑफ फील्ड जो आपको अनुसार अपने पिक्चर्स में दिखाना है वो आप आराम से दिखा पाएंगे लाइक दिस. इसके अंदर ऑटो फ्लैश भी आता है. यू डोंट हैव टू परचेज अनदर फ्लैश इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज, दैट्स योर चॉइस. एज अ प्रोफेशनल वो अदर लेवल पर आएगा, ठीक है. ये व्यू फाइंडर है, यहाँ से देखना पड़ता है. जब भी आप DSLR लेके कहीं पर भी फील्ड में जाएंगे, आपको लोग बागों की अटेंशन मिलेगी, पर्सन आपसे मीट करेंगे, आर यू प्रोफेशनल, यू आर टेकिंग मूवीज़, यू कैन वाट एवर, बट यू सी ओनली योर काइंडली अटेंशन. सो नाउ हम ऑटो पे देखते हैं. अगर आपको DSLR चलाना नहीं आता, कंपनी इसमें फीचर्स देती है ऑटो. ऑटो पे आप डालेंगे तो इसके अंदर फोटोज़
ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी चेंज करता रहेगा और आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन पिक्चर देगा। जो आप अगर प्रिंट कराना चाहते हैं स्टूडियो पे, तो आराम से बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, आपकी मेमोरीज फ्रेम करा सकते हैं। सो हियर दिस इज थिंग। एंड मोर ओवर, जब आप, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे आप इसके अंदर अपनी पैशन फोटोग्राफी को लेके आप इसके अंदर लेंसेज चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस इज वी आर किट, कॉल्ड इज वी आर किट। ये वी आर किट है 1855, ये पोर्ट्रेट के लिए आते हैं, ये कैमरा के साथ में आता है। वहीं अगर आपको बेटर क्वालिटी क्रिस्प पिक्चर चाहिए तो 50mm पे जा सकते हैं, 35mm पे जा सकते हैं। वहीं यहाँ देखिए कुछ फीचर्स हैं, इसमें भी ऑटो टाइमर आता है, इसमें भी ऑटो टाइमर आता है। और इसमें देखिए आपको फंक्शन बटन दिखेगा, यू कैन आल्सो कनेक्ट दिस डिवाइस टू योर इजीली बाय योर फ़ोन फॉर ब्लूटूथ टेकिंग पिक्चर्स। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, या कहीं साइबर कैफे पर जाके मुझे फ़ोटोज़ निकालनी पड़ेगी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहीं आप इस मोबाइल, इसको मोबाइल से जोड़िए, कनेक्शन करिए, ब्लूटूथ वाईफाई इन दोनों में इनबिल्ट आता है। वहीं आप जब देखेंगे कि फेसबुक पे डालना है, तो आप उस पिक्चर को बड़ी इमेज नहीं, आप छोटी 2 मेगापिक्सल के अंदर भी या 2 MB बियॉन्ड आप उसकी फ़ोटोज़ को कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में ले सकते हैं, जिससे आप अपना वॉलपेपर फेसबुक और ट्विटर एनी थिंग इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट कर सकते हैं और लाइक पा सकते हैं। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है या DSLR की। आगे हम सिखाएंगे कि अगले चैनल के अंदर कि काम कैसे करता है।